जैसी जैसी कोई नहीं। बाबा जी, किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आपको तो पता ना कितनी मेहनत से मैं क्या करूं, पीपल से क्या करूं मैं? ये क्या पागलपन हो रहा है? सॉरी सर, वो मैं देख रही थी, अगर कोई पेपर्स मिल जाए जिससे आपकी हेल्प हो जाए तो। मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता। बॉटल फाइल का है? यस सर। सर आप प्लीज नाराज मत होइए। जस्सी कम ऑन। एक मिनट सर। सर आपने वो फाइल कहीं मैडी सर को तो नहीं दे दी? ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझ पे? मैंने जानबूझकर कंप्यूटर थोड़ी ना खराब किया। मैं जो कर रही हूँ आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ ना। आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसी, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर तुमने खराब किया है, लेकिन बैकअप तो लेना चाहिए था। बस एक बैकअप की वजह से आप, एक गलती की वजह से तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। अब मैं बोर्ड से कैसे कहूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट? मुझे नहीं बनना असिस्टेंट, मिस असिस्टेंट। मैं जो काम करती हूँ वो गलत हो जाता है। जैसे जैसे इट्स ओके, इट्स ओके, गेट अप, कम ऑन। जैसी, जैसी, रोना नहीं। मैं अपना हैंकी फैलाना भूल गई। मैं आपका हैंकी धो के प्रेस करके लाई थी आपको देने के लिए। हाँ तो तुम उसी को यूज करो। सही है। नहीं, चौके जैसी, चौके। नहीं सर, हैंकी गिफ्ट करने से लड़ाई हो जाती है। मैं इसको बात है। जैसे वो फाइल, आई एम सॉरी सर, मैं रोई। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। सर आप बहुत काइंड हैं, मेरी वजह से आपको। उस बेचारी की आंखों में आंसू थे जब वो कैबिन में गई। ये अरमान भी ना हीरो जैसा दिखता है लेकिन है बिल्कुल राक्षस जैसा। एक रूल होना चाहिए इन सारे बॉसेस के खिलाफ। अरे भाई, इस अरमान के तो मूड ही समझ में नहीं आते। जस्सी के बिना से कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उसे दुख देता ही रहता। क्या लाई हो लंच में बिंदिया? लंच? अरे क्या, अरे हमारे गैंग के मेंबर पर मुसीबत आई हुई है और ये मेरा बस चले ना तो मैं उसे। अरे सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तुम लोग के पास कोई काम नहीं है? काम सर, हम तो काम करने ही आए हैं। हाँ हाँ, हम वो कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ सेटअप करने आए थे। कॉन्फ्रेंस रूम? यस यस सर। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम तो दूसरे विंग में। अब हाँ सर, हम भी कितने बेवकूफ हैं, बात करते करते कभी यहाँ चले, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे हाँ, ये तो अरमान सर का रिसेप्शन एरिया है। हम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैथिली, तुम मेरे बिल्कुल कंफ्यूज कर देती हो। मैंने कुछ कंफ्यूज किया था? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था तुम्हें। क्यों, तुमने नहीं कहा इस तरफ आने के लिए? प्लीज ये कंफ्यूजन उधर जाकर सॉल्व करते हैं। प्लीज सॉरी सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ऑफिस एकदम पागल खाना चाहता था। जस्सी जस्सी अब तू तो फंसी तेरी बन जाएगी लसी। ओ जस्सी वी हेट यू जस्सी वी हेट यू जस्सी वी हेट यू जस्सी। परी आज इतनी खुश, ऐसा क्या काम कर दिया तुमने? तुमने देखा नहीं मुझे कितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी दी गई है, बॉटरूम के लंच का सुपरविजन। बस इतना ही या कुछ और है तुम्हारा राज? राज? क्या राज? परी कहीं कंप्यूटर के क्रैश होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? Are you crazy? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? देखो उस जस्सी के साथ तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरमान को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अंडरस्टैंड? Oh God, I'd rather die than do that. तुम्हें तो पता है ना कि मेरे दिल में अरमान के लिए कितना सारा प्यार है। बेबी उस प्यार को फौरन रिस्पेक्ट में बदल दो, क्योंकि अरमान को प्यार देने के लिए मैं हूँ ना। ओ मलिका वैसा वाला प्यार थोड़ी। वैसे भी अरमान तुम्हारी जैसी लड़की में इंटरेस्टेड तो होगा ही नहीं। तुम अपने सेलिब्रेशंस जारी रखो, क्योंकि आज पुरुषोत्तम अंकल ने अरमान से ये कहा कि वो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम परी को दे। परी कंट्रोल। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम बन जाओगी अरमान की सबसे स्पेशल सबसे फेवरेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, और अगर मैंने कभी गलती की भी तो मुझे पता है ये गलती किसके ऊपर डालनी है। जस्सी, I hate you so much. उसने कहा कि तुम्हारी गलती है, और उसे ये भी कहा कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। मिस हैंडलिंग है। ऐसे इंसान को तो ना बिना मेहनत जगाए हुए ब्रेक सोच के भूख लग रही है। तुम अब भी अरमान का हैंडल यूज कर रही हो? मैं अपना लाना भूल गई। माय गॉड, ये सही है, पहले रुला दो फिर रुमाल दो। वो उन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो ये कह कर दिया होगा, लो रुमाल रख लो, मैं तुम्हें कभी भी रुला सकता हूँ। लेकिन जस्सी ये है कौन जिसने सारा ब्लेम तुझ पर डाल दिया? पता नहीं कोई हिरजी था। ओह माय गॉड, मारिया तू उसे जानती है? हाँ ये वही हिरजी है जिसकी बीवी पिछले साल भाग गई थी एक टेलर के साथ। यू नो मेरे हस्बैंड कहते हैं डॉक्टर हो या कंप्यूटर दोनों के मामले में ना एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाँ, लेकिन वो हिरजी छूने देगा वो कंप्यूटर किसी और को? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा फ्रेंड है जॉर्ज, वो कंप्यूटर में ना कुछ तो करता है। ओके, ग्रीन फैक्ट्री सॉफ्टवेयर में काम करता है। रूबी बॉम इज लाइक मारिया, प्लीज मारिया उसके बारे में ड्रीम करना छोड़, उसे फोन करके पूछ के हमारी मदद कर सकता है। उससे बात करने का बहाना मिल गया। जॉर्ज, हाय मारिया, बैंड्रा फेयर में मिली थी। हाउ आर यू? मारिया प्लीज फ्लर्ट करना बंद कर। तू चिंता मत कर, तू हमारे गैंग की मेंबर है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल बात कर, बात कर। हेलो हेलो एवरीबॉडी, नीला वेलकम आंटी। हाय स्वीटहार्ट। हाय मॉम। हेलो बेटे, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। सो नई चेयरमैन की मीटिंग कैसी रही? वेल आंटी, मॉम आप अच्छा बनी है, मीटिंग वाज अ डिजास्टर, लेकिन लंच बहुत अच्छा। एज यूजुअल आंटी हमेशा सही वक्त पे आती है, जब काम खत्म हो जाए और एंजॉयमेंट शुरू हो। उसमें हर्ज क्या है, आफ्टर ऑल हम सब फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारा काम ही फन होना चाहिए। बिल्कुल आंटी, मगर आज की मीटिंग में फन कम और गम ज्यादा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरमान को चेयरमैन कैसे बने रहने दें। क्या? लेकिन हमारे इंजीनियर ने तो कहा था कि दो दिन लग जाएंगे। ये कह रहे हैं एक घंटे में ठीक हो जाएगा। जॉर्ज, मारिया तुम यहाँ आ सकती हो हमारी हेल्प के लिए? यहाँ मेरे अलावा और चार पांच छह खूबसूरत और हॉट लड़कियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और काम हो जाने के बाद हम तुम्हें ऐसी ट्वीट पर ले जाएंगे कि तुम याद रखोगे। अच्छा बाय बाय। माय गॉड मारिया, तू तो पागल हो गई है भाई, हम कब से ब्यूटी क्वीन हो गए? यहाँ लड़कों को ऐसा बोलना पड़ता है वरना वो नहीं आते हैं। और वो हमें देखकर भाग गया तो? काम तो मैं करवा दूंगी, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। ओह
वो ये सब बाद में सोचना, पहले जैसे कि कंप्यूटर को तो यहाँ लाए। सर अगर वो हो जाए ना तो मैं रिपोर्ट फिर से बना सकती हूँ। मजाक कर रहा है आर्यन। अच्छा आर्यन, अगली मीटिंग अगले हफ्ते? अगला हफ्ता थोड़ा टाइट है, मे बी उसके बाद वाला हफ्ता अंकल। तब तो हम यूरोप में होंगे। रियली हाउ लवली आंटी। तो एक काम क्यों नहीं करते हम लोग, अरमान का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज ही ले लेते हैं और दो महीने बाद जब मिलेंगे उस टाइम उसे रेटिफाई कर देंगे। एक मिनट, रिपोर्ट का क्या होगा? कॉन आर्यन, कांट बी सीरियस। रिपोर्ट तो एक फॉर्मेलिटी है। अब हमारी सेल्स इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि हमें अपना चेयरमैन बदलना पड़े। लुक आर्यन, एवरीबॉडी हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे, इस बात को यहीं खत्म करो। ओके, आई डोंट माइंड। मगर जब तक वो अगली मीटिंग नहीं होती है, अच्छा होगा अगर एक डेली सेल्स रिपोर्ट हमारे पास आती है, ताकि बोर्ड को दिखाकर मैं उन्हें खुश कर सकूं। ओके? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मुजरिम हूं और मुझे रोज थाने जाकर रिपोर्ट कर। देखो अरमान, तुम्हें हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, उसके बदले में एक डेली सेल्स रिपोर्ट। आई डोंट थिंक, आई डोंट अग्री। मीटिंग बिना हुए तुम्हें हमारा सपोर्ट मिल रहा है और तुम आर्यन, तुम मेरा कितना भला सोचते हो ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अरमान, आर्यन सही कह रहा है, अगर आज मीटिंग हो गई होती तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मीटिंग नहीं होने का नुकसान तुम्हें भी तो उठाना पड़ेगा, आफ्टर ऑल यू आर द चेयरमैन। क्या इतना अच्छा स्कोर बन रहा था, खराब कर दिया ना सब। मुझे मेरा कंप्यूटर चाहिए। क्यों, पूजा करनी है? ठीक करना है इसे। मैं हूँ ना, तीन चार दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा, फिर ले जाना उसे। वैसे भी तुम और तुम्हें इतनी ताकत कहाँ की, पूरा कंप्यूटर उठा के ले जाओ। ये एक घंटे में ठीक हो सकता है। अच्छा, तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन गई कुछ? जी नहीं, मुझे किसी ने बताया है। किसने? किसी टेलर ने? एक कंप्यूटर प्रोफेशनल ने, ड्रीम वर्क फैक्ट्री में काम करता है वो। मेरे सामने ड्रीम फैक्ट्री का नाम लेना मत, मैं गुलमोहर के लिए काम करता हूँ और इस रूम के अंदर गुलमोहर के एम्प्लॉय के अलावा कोई और नहीं आ सकता। सर प्लीज उसे एक बार देख तो लेने दीजिए। ये कंपनी के रूल्स है, मेरे नहीं है। सॉरी, पर वो इसे ठीक कर सकता है। तुम अपने आपको बहुत स्मार्ट समझते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ? तुम सोच रही होगी कि इसकी बीवी टेलर के साथ भाग गई तो ये क्या कंप्यूटर ठीक करेगा। लेकिन मैडम, मैडम मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बीवी को भी ठीक कर सकता हूँ और उसे भगा ले जाने वाले टेलर को भी ठीक कर सकता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही डेंजर आदमी छुपा हुआ है, उससे पंगा लेना मत, वरना यहाँ आने वाले मैडम किसी भी आउटसाइडर का मैं हार्ड डिस्क के क्रैश कर दूंगा। मुझे लगता है सब कंप्यूटर्स बैन कर, तुम्हारी उस जस्सी द जीनियस को भी बैन कर देना चाहिए। लास्ट तक काम छोड़ के रखेगी तो यही प्रॉब्लम होगी ना। क्या प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम, तुम्हारी नहीं, चलता हूँ। तुम कहो तो मैं कुछ मदद कर दूँ। बस अपने भाई को गायब कर। अरमान, यू सो मी। कौन है? ये कैसे रूल्स हैं? मैं अरमान सर से अभी बात करती हूँ। देखिए, रूल सबके लिए एक है, आप हो या अरमान सर। ठीक है, मैं अरमान सर से बात करती हूँ, वो ऑथराइज कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं, हेलो परी, मुझे अरमान सर से अर्जेंट बात करनी है। अरमान इस वक्त बहुत बिजी है। परी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने तुमसे कहा ना, अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे मैसेज दे दो, मैं उसे बता दूंगी। मेरी बात करवा दो ना। देखो जैसे इस वक्त सब लोग नारी की कलेक्शन देखने जा रहे हैं। तो बात करो। परी मैं कंप्यूटर वर्कशॉप से बात कर रही हूँ और यहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है। जस्सी, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी अरमान को इतनी तकलीफ हो चुकी है, प्लीज डोंट ट्रबल हिम एनी मोर। हाँ परी प्लीज, ये कंप्यूटर ठीक हो सकता है, बस उनकी ऑथराइजेशन चाहिए मुझे। किसका फोन है? जस्सी। हेलो। हेलो सर, ये कंप्यूटर ठीक हो सकता है, बस ये हिरजी को आपका ऑथराइजेशन चाहिए सर। अरमान सर यहाँ आ रहे हैं। क्या? क्यों? साथ सुन गया? नहीं नहीं, मुझे क्यों? मुझे क्या चाहिए जिसे आए, मेरा लंच टाइम है। ओए,
चुपचाप खड़ा रहे वरना तू मेरा लंच हो जाएगा। देखिए मैडम, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। ए, तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है तो तू हमें आंखें क्यों दिखा रहा है? मैं ऐसी बातें सुनता नहीं हूँ बॉस। बॉस तो अपने कान बंद कर ले। तू चुप बैठ मोटी। मोटी किसको बोल रहा है? चूहे। बात है, देखिए मैडम आपकी अपनी गंदी शक्ल बीच में ला रही है। भंकस मत करो। जय। हाय परी। उस चश्मिश ने कंप्यूटर को ठीक करने का रास्ता निकाल लिया। क्या कह रही हो तुम? जस्टिन मुझे खुद पता है। और अरमान वर्कशॉप क्या है? तुमने वो सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी जो वीजी ने तुम्हें दी थी? स्टेप बाय स्टेप जे। तो बहुत गुस्सा होंगे। कौन? अरे अरमान सर। माय गॉड। अरमान, ये किसका नाम लेते लेते रुक गया? धनी मर गया लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ये उठ क्यों नहीं रहा? मैं इतने का सिर लगा। लेकिन बिल्लिया का भी तो साथ था इसमें। चुप कर। अरे पहले छूके तो देखो इसे हुआ क्या। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अगर मर मर गया होगा तो नहाना पड़ेगा। तो ये सब ऑफिस में कैसे होगा? चेक तो उसे करना चाहिए जिसने इसे मारा है। हमेशा मुझे फंसा देते हो। पल्स देख, पल्स। एक बार देख लेना। बच गया। कुछ करो ना प्लीज। इसे माउथ टू माउथ सांस दे दो, उससे सब ठीक हो जाता है। अरे जैसे तूने फर्स्ट एड पढ़ा है ना? वेरी गुड, तू इसे माउथ टू माउथ दे दे। तुम ठीक हो ना? अरे हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? सर, ये सब मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और ये वाली जो है ना सर, बैल की तरह सर, ये अपने सर से मेरे सर पे हेड इंजरी मार रही थी सर। सर, जब मैंने इसे बताया कि आप नीचे आ रहे हैं तो ये रुका ही नहीं सर। ये भाग रहा था सर, हमने इसे रोका। और सर ये इतना कमजोर है कि बिल्कुल बेहोश हो गया सर। बल्कि हम तो इसे फर्स्ट एड दे रहे थे सर। सर ये सरासर झूठ। अपना कंप्यूटर हैंड ओवर करो, जाओ जहाँ जाना है। वो मैं नहीं कर सकता सर। क्यों? कंपनी के रूल्स हैं सर। तो कंपनी के रूल्स तुम मुझे समझाओगे? ऐसे रूल्स लागू नहीं होते। जस्ट हैंड ओवर द कंप्यूटर। सर मैं तो कंपनी जिस कंप्यूटर को ठीक करने में तुम कई दिन लगा रहे थे, वही कंप्यूटर दूसरा आदमी एक घंटे में ठीक करके प्रिंट आउट दे सकता है। ऑफिस में हमें बाहर वाले से हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो उठाओ कंप्यूटर। एक मिनट सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया आपको सिर्फ प्रिंट आउट चाहिए था? क्या? नहीं सर, मतलब कि मशीन ठीक करने में एक तो तीन दिन लग जाएंगे सर, लेकिन प्रिंट आउट तो मैं यूं 20 मिनट में निकाल के दे दूंगा। ये बकवास तुम पहले नहीं कर सकते थे। सर वो मैं क्लियर नहीं था ना सर। ठीक है, दूसरा इंजीनियर कैंसिल करो। और जैसे जब तक ये तुम्हें प्रिंट आउट निकाल के ना दे दे, तुम इसके पास से हिलना मत। यस सर। 15 मिनट। अरमान सर के सामने हवा निकल गई। अब आया ना लाइन पे। प्रिंट आउट तो तुम्हें मिलेगा जस्सी, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। जस्सी जस्सी कोई नहीं। जस्सी जस्सी कोई नहीं।